नमस्कार मित्रों, एजुटेक संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में वेद परिचय प्राप्त करेंगे। वेद परिचय में वेद शब्द के अर्थ को आज हम समझेंगे। वेद का अर्थ, वेद शब्द ज्ञानार्थक विद धातु से धय प्रत्यय करने पर बनता है। इसका आशय है ज्ञान, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह ग्रंथ। व्याकरण की दृष्टि से वेद शब्द भिन्न भिन्न चार धातुओं से विभिन्न अर्थ को प्रकट करता है, यथा विद सतायाम अर्थात होना, विद ज्ञाने अर्थात जानना, विद विचारणे अर्थात विचारना, विद लिलाभे अर्थात प्राप्त करना। विष्णु मित्र ने भी वेद का अर्थ इस प्रकार से किया है, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभि धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। यहाँ पर वेद का अर्थ कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यथा जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है वह वेद है। इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय का ज्ञान प्राप्त होता है, इससे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय का विवेचन किया गया है, तो ये है वेद। इस प्रकार वेद पुरुषार्थ चतुष्टय के सर्वांगीण विवेचन करने वाले ग्रंथ है। आचार्य सायण ने वेद शब्द की एक अन्य व्याख्या की है, इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहार योर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद। अर्थात जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो उन्नति और प्रगति का दुष्कर्मों से होने वाले कुपरिणामों से बचने का उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं। वेदों के अर्थ में श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। ये सारे शब्द वेद के पर्यायवाची के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि श्रुति। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि इन्हें गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखा गया है। श्रुति शब्द व्यापक है, यह वेदों के साथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के लिए भी प्रयुक्त होता है, अतएव ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के उद्धरणों को इति श्रुति कहकर उद्धृत किया जाता है। निगम, वेद को निगम भी कहते हैं। वेदों के लिए निगम शब्द का भी प्रयोग होता है। निगम का अर्थ सार्थक या अर्थबोधक है। वेदों को साभिप्राय, सुसंगत और गंभीर अर्थ बताने के कारण निगम भी कहा जाता है। आगम शब्द का प्रयोग वेद और शास्त्र दोनों के लिए प्रयोग होता है। त्रयी शब्द का प्रयोग वेदों के लिए होता है। वेद त्रयी का अर्थ है तीन वेद, यथा ऋग, यजु और सामवेद। मीमांसा दर्शन में त्रयी शब्द तीन प्रकार की रचना का द्योतक है और इसके अंतर्गत चारों वेदों को रखा जाता है। पद्यात्मक रचना ऋग है, गद्यात्मक रचना यजु है और गीतात्मक रचना साम है। इस प्रकार अथर्ववेद भी त्रयी के अंतर्गत आता है, जो हम मीमांसा दर्शन की दृष्टि से देखें तो वेद त्रयी के अंतर्गत ही अथर्ववेद समाविष्ट है। छंदस, चारों वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग होता है। पाणिनि ने बहुलम छंदसी इन सूत्रों के द्वारा वेदों को छंदस कहा। छंदस शब्द छदि, सवर्णी, चुरादि गण से बनता है। इसका अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। आमनाय, वेदों को आमनाय भी कहा जाता है। वेदों के अर्थ में आमनाय शब्द का भी प्रयोग होता है। आमनाय शब्द ना अभ्यास वादी गण से बनता है। यह वेदों के प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है। दंडी ने दस कुमार चरित में वेदों के लिए आमनाय का प्रयोग करते हुए कहा है, अधीति चतुर्सु आमनायेषु, अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता, अर्थात अधीति चतुर्सु आमनायेषु, अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता श्रुति के तुल्य आमनाय शब्द भी ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों का भी वाचक है। स्वाध्याय भी वेद को कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वाध्यायो देतव्यः,
अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उपनिषदों में भी वेदों के अर्थ में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम, अर्थात वेदों के अध्ययन और प्रचार में प्रमाद न करें। स्वाध्याय शब्द स्व अर्थात आत्मा के विषय में मनन चिंतन तथा प्रतिदिन अभ्यास पर बल देता है। तो इस प्रकार से वेद शब्द के विभिन्न अर्थ यहाँ पर हमने देखे हैं और वेद की शब्द की व्युत्पत्ति और वेदों के विषय में विविध मनीषिणियों के मत को भी हमने यहाँ पर प्रतिपादित किया है और वेद शब्द के जो पर्यायवाची शब्द है इनके विषय में भी हमने इस वीडियो में जाना है। तो आशा रखता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो ज्ञानवर्धक हो और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम वेद के परिचय को आगे बढ़ाएंगे और अगले एक बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।